नमस्कार। जी हाँ, राजस्थान के कुछ इलाकों में यानी निम्न दबाव के प्रभाव से हो सकती है भारी बारिश। मानसून की स्थिति पूरे प्रदेश में उत्तर व पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों को कम कर दिया। राजस्थान के पूर्वी भाग में जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान भी बारिश से बहुत भारी बारिश हुई और ये बारिश अगस्त के पहला हफ्ते तक जारी रही, लेकिन पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से लगभग सूखे ही रहे। इसी तरह गुजरात में भी यही स्थिति रही। हालांकि आपको बता दें, पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 22% बारिश कम जब हुई और 17 अगस्त तक पश्चिमी व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा और ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। 17 व 18 अगस्त तक राजस्थान गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बारिश शुरू हो सकती है। साथ ही राजस्थान में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक इन जिलों में अच्छी खासी बारिश शुरू हो सकती है और 21 व 23 अगस्त के बीच राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों के साथ साथ भी राजस्थान के इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना भी बताई है। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बरसात की कमी के कारण अधिकांश खड़ी फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन ये आगामी बारिश कुछ हद तक यहाँ पर भी मर रही फसलों को पुनर्जीवित भी कर सकती है। निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि देश के कुछ हिस्सों में प्रवेश करेगा, हिमालय की तलेटी के मानसून की अक्षीय रेखा को नीचे खींच जरूर लेगा। इसीलिए राजस्थान के शेष हिस्सों में बारिश की गतिविधियों फिर से शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो यही थी आज मौसम से लेकर बड़ी हुई खास रिपोर्ट। आप मौसम से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजस्थान से मौसम से संबंधित जानकारी रोजाना ऐसे ही मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जिले का नाम जरूर बता देना चाहिए।